नमस्कार दोस्तों 7000 मैट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी वाले नया कोल्ड स्टोरेज वीडियो सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में आपने चेंबर की चीजों को देखा था कि अंदर कितना काम हुआ है, इवेपोरेटर कैसे लगे हैं, कितने इवेपोरेटर लगे हैं और इंसुलेशन का काम कितना हुआ है, इन सभी बातों को आपने देखा था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मशीन रूम में कितना काम हुआ है, कौन कौन से कंप्रेसर लगे हैं, कितने कंप्रेसर लगेंगे और कंडेंसर का काम कितना हुआ है और कंडेंसर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मशीन रूम की तरफ। तो दोस्तों ये है मशीन रूम और वो है कंडेंसर। तो अभी तक सेंटरिंग लगा हुआ है और ऊपर का ढलाई हो चुका है। अब हम चलते हैं मशीन रूम के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अंदर तीन फाउंडेशन आपको दिख रहे होंगे और वहाँ रिसीवर रहेगा। तो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ रिसीवर रहेगा और यहाँ तीन फाउंडेशन कंप्रेसर्स के लिए दिया गया है। यहाँ पर 6, 4 और 3, तो यहाँ तीन कंप्रेसर्स लगेंगे क्योंकि चूंकि दोस्तों ये 7000 मैट्रिक टन कैपेसिटी की स्टोर है, तो इसमें 6 होना बहुत ज़रूरी था ताकि इसका लोडिंग आसानी से पूरा हो सके। अगर 6 नहीं भी होता तो इसमें चल जाता, लेकिन 6 होने से लोडिंग में दिक्कत नहीं होगा और 6 लोडिंग में काम करेगा। दोस्तों आज के समय में इंडिया में टोटल लगभग 32 मैट्रिक मिलियन टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता मौजूद है और आवश्यकता है लगभग 37 मिलियन मैट्रिक टन की। तो दोस्तों इसमें काफी स्कोप है और फायदे भी हैं, इसलिए दोस्तों इसमें लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। तो ये 7000 मैट्रिक टन की स्टोरेज क्षमता वाला स्टोर है और यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ रिसीवर होगा, तो रिसीवर इसके क्षमता के अनुसार ही होगा, काफी बड़ा होगा तो इसलिए उसके हिसाब से ही रिसीवर होगा। और यहाँ जो खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पर एलपीआर होगा, लिक्विड पंप, तो यहाँ लिक्विड पंप भी लगेगा। तो यहाँ पर तीन कंप्रेसर्स लगेंगे और अंदर का काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है और यहाँ एक दरवाजा है और वहाँ पर एक दरवाजा होगा, बाकी सब विंडो है और ऊपर वेंटिलेटर जैसा बनाया हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं कि कंडेंसर के साइड में 2 खिड़कियाँ लगी है जहाँ से कंडेंसर को आसानी से देखा जा सकता है, और यहाँ पर एक छोटा सा गेट है जहाँ से हम कंडेंसर की तरफ जा सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, और ये है कंडेंसर। तो कंडेंसर दोस्तों ग्राउंड लेवल से लगभग 8-9 फीट ऊंचा है और ये ज़मीन के अंदर नहीं है, पहले ज़मीन के अंदर बनता था, अब लोग ज़मीन के अंदर बनाना कम कर दिए हैं, ऊपर ही इसको बनाते हैं। और देख सकते हैं अंदर कि ये 2-2.5 फीट गहरा होगा, ज़्यादा गहरा नहीं है, और यहाँ से ऊंचाई इसकी लगभग 8-9 फीट होगा। तो इस तरह बनता है दोस्तों, ज़्यादा लोग मिट्टी खुदवाना नहीं चाहते। तो ये ग्राउंड लेवल से 8-9 फीट ऊंचा है और कंडेंसर की ऊंचाई जो है ये 12-15 फीट हो सकता है। तो मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि अगर ऊँचाई ज़्यादा रहता है तो एयर सर्कुलेशन आसानी से होता है और पानी ठंडा रहता है। तो ये सेंटरिंग अभी हुआ ही है, सेंटरिंग खुला नहीं है। तो ये सारे कंडेंसर है, अभी तो सेंटरिंग हुआ है और ऊपर का ढलाई हुआ है जो चलने वाला जगह होता है। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कंप्रेसर्स आ गए हैं, तो यहाँ ये कंप्रेसर, तीनों कंप्रेसर्स आ गए हैं, ये है 6 और ये है 4 और ये है 3। तो तीन कंप्रेसर्स यहाँ लगेंगे, तो तीनों कंप्रेसर्स आ चुके हैं और इसके साथ में जो ये प्रेशर डिफरेंशियल बोर्ड होता है वो भी आ गया है। आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से कंप्रेसर्स हैं और कौन से सीरीज का आया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये है KCX4, तो यहाँ KCX सीरीज का कंप्रेसर लगेगा। तो इसमें वाटर जैकेट नहीं होता बाकी कंप्रेसर की तरह, तो बिना पानी का ये चलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये है KCX6, देख सकते हैं सिंगल स्टेज, और KCX6 है देख सकते हैं। तो यहाँ KC4, KCX4 और KCX3, वो है KCX3। तो ये तीन कंप्रेसर्स यहाँ पर लगेंगे, ये KCX6 है, तो ये तीन कंप्रेसर्स यहाँ पर लगेंगे दोस्तों।
बाकी इसके साथ में जो भी कंपोनेंट्स आते हैं वो सभी आ चुके हैं, जैसे प्रेशर डिफरेंशियल बोर्ड, मोटर्स, ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसके साथ आया हुआ है और ये सभी रखे हुए हैं। तो यहाँ KCX सीरीज का कंप्रेसर्स, 3 कंप्रेसर्स लगेंगे, ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छे हैं, इसमें पानी का कनेक्शन नहीं होगा। तो 3 कंप्रेसर्स KCX सीरीज का यहाँ लग रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कंडेंसर का काम हो रहा है, तो ये GI पाइप का कंडेंसर बन रहा है। तो आजकल GI का कंडेंसर इसलिए बन रहा है कि इसमें जंग बहुत कम लगता है, साथ में स्केल भी कम आता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते। वैसे तो पाइप वही होता है, केवल इसके ऊपर गैल्वेनाइज किया होता है, एक जिंक का कोट चढ़ा होता है, जिसके कारण से ये जल्दी ख़राब नहीं होते, तो ये काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो सभी पाइप्स आ गए हैं और कंडेंसर का काम जोरों शोरों से चल रहा है, वेल्डिंग का काम चल रहा है, और देख सकते हैं कि GI पाइप का कंडेंसर यहाँ पर बन रहा है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 3 3 6 लगभग 18 कंडेंसर तैयार हो चुका है और टोटल लगभग दोस्तों 27 कंडेंसर बनेगा। तो यहाँ टोटल 27 कंडेंसर लगेंगे। और दोस्तों बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार है, और वहाँ कंडेंसर है और यहाँ पर काम चल रहा है कंडेंसर का, और चैम्बर जो है इधर को बढ़ेगा, 2 चैम्बर और बढ़ेगा, तो यहाँ कंडेंसर का काम चल रहा है। तो आपने देखा दोस्तों कि अभी मशीन रूम का काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है, फाउंडेशन बन गया है, रिसीवर का फाउंडेशन बन गया है, अभी अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। साथ में कंप्रेसर्स ला कर रखे हुए हैं, साथ में सभी इक्विपमेंट ला कर रखा हुआ है, तो इतना काम हो चुका है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।